Today I'm going to discuss about the main important thing that most of the people don't understand at the age of 17-18. Okay, so the thing that I'm going to talk about is about your personal self. Okay, so most of the times too many girl and boy fall into the trap of the relationship and all that, but let me tell you one thing, that nobody is you, nobody will be with you if you don't have anything. So if you have something like anything, if you are intelligent, then you will get a lot of friends. If you are if your mind is okay, then you will get most of friends. If you are stable, then you will get a lot of friends. If you are emotionally strong, then you will get a lot of friends. If anything, your brain will not be, if you are scoring high, then most of the people will talk to you, and most of the people will talk to you about the assignments and all, like they have approached me for the assignments. But there are only two or three friends that who will call you in your difficult times and try to understand your situation as well. And yeah, so we all have that kind of friends. Only two or three friends we have, right? They always call you for and feel and after talking to them you will feel better. Okay, so first thing, आपको सबसे पहले तो ये करना है, आपको अगर किसी से ही बात करके अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको हल्के से भी अपने माइंड में ऐसा हो रहा है, ओ मैंने से बात किया, ओके मुझे अच्छा फील, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ओके सो मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ था, मतलब मेरे साथ भी एक नया फ्रेंड है, बट मैं उससे बात करती थी, बट मुझे आज तक 7-8 ईयर्स हो गए थे, मुझे ना कभी अच्छा फील हुआ था, मतलब ऐसा ठीक है, मतलब ही इज़ माई फ्रेंड एंड बहुत अच्छा ही था, मतलब पॉजिटिव, बट मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ अलग लगता था, मतलब कुछ अच्छा फील नहीं होता था, राइट मैं हमेशा रोते रहती थी, कुछ अच्छा फील नहीं होता था, बात करने से अच्छा लगता था लेकिन फिर उसके बाद बहुत रोना भी आता था. सो कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो इस बात को, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट. आप बहुत मिस कर रहे हो, आप जो करना चाहते हो एग्जैक्ट उसे फोकस नहीं कर पा रहे, आप किसी और बात को सोच रहे हो, और यही सिचुएशन होता है सबके साथ. और आप नीट में क्या होता है मैं बताती हूँ, 80 to 20 का रेशियो होता है. आप देख सकते हो कि 300 पास आने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 3-4 लाख स्टूडेंट जो कि 300 के ऊपर लेके आते हैं. तो मुझे आप ये बताओ कि कितने सारे बच्चे हैं जो सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ते हैं. सिर्फ 20% बच्चे होंगे जो 4 बजे सुबह उठ के पढ़ते होंगे. अब किसी भी टॉपर से पूछ लेना, जितने बच्चे हैं ना वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, ठीक है. अब किसी बच्चे से ये पूछ लेना जाकर, जितने बच्चे हैं मुझे अब पता है, क्योंकि मैंने टॉप नहीं किया एग्ज़ाम, बट मुझे पता है कि कैसे टॉप कर सकते हैं, मतलब आपको ये पता होगा, बट आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अदर थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस थिंग. आपको अपने लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ लग रहा है तो आप करो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं. अगर आपके पास आपका लाइफ है, आपके पास आपका डिग्री है, आपके पास आपका खुद का कुछ है, मतलब आप चाहे लड़के और लड़की, डजंट मैटर, लड़का लड़की कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है. मैं किसी लड़के को ब्लेम नहीं कर सकती, किसी लड़के को भी ब्लेम नहीं कर सकती, ये ह्यूमन नेचर है. अगर आप अच्छे कॉलेज में हो, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, कुछ भी रिलेशंस, रिलेटिव्स भी आपके साथ हैं, सब कोई आपके साथ है. अगर आप फेमस हो गए, अगर आप फेमस हो तो सब आपके साथ है, अगर नहीं हो तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी नहीं, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिशन हो रहा है यहाँ पे इस वर्ल्ड में. हर लोग एक दूसरे को गलत समझते हैं, बहुत लोग मुझे गलत समझते हैं, बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे गलत बोलेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट दिस, मतलब हम लोग सब कुछ एक दूसरे से सीखते ही है. आप मुझे कुछ गलत बोल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे निगेटिव मानकर मैं बैठ जाऊंगी घर पर, या मैं बैठ सकती हूँ, मैंने सीखा भी है, बिकॉज आपके कमेंट से मुझे भी हर्ट होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है. आप जो कर रहे वो सही है, आपको पता होना चाहिए ये बात, और आपको आई थिंक पता है ये बात कि आप जो कर रहे हो वो ऑलरेडी सही है. तो आपको क्या है, कभी सोचना नहीं चाहिए, कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आई एम बैड और समथिंग, सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, बाय.